अक्षरा के इल्ज़ामों का जवाब भले ही पवन सिंह ने उस वक्त नहीं दिया हो जब धड़ाधड़ अक्षरा सिंह पवन सिंह पे इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन अब पवन सिंह मूड में आ गए हैं। भाई बदनाम कर देगी कि सफलता के बाद एक आएगा दूसरा जाएगा। पवन सिंह ये एल्बम लेकर आ रहे हैं और आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये किस पर टोंट है। जी हाँ, पवन सिंह है भाई। पवन सिंह अगर अपने दुश्मनों को दोस्ती करना सिखा सकते हैं तो दोस्तों के साथ दुश्मनी भी निभा सकते हैं। अभी हाल ही में आप देखेंगे द कपिल शर्मा शो में खेसारी लाल यादव की तारीफ करते नजर आएंगे पवन सिंह। और अब इस एल्बम के माध्यम से अक्षरा सिंह को फिर एक शौक देंगे। वैसे बदनाम कर दोगी, आपने ये गाना सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अक्षरा और पवन के रिश्ते में अब क्या बचा है। जैसे ही ये गाना आउट होगा आपको ये भी पता चल जाएगा कि पवन सिंह अभी भी अक्षरा सिंह के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे पवन सिंह ने हर एक लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ा ली हैं। जो कभी रितेश को फूटी आग पवन सिंह पसंद नहीं किया करते थे, आज रितेश उनके अच्छे दोस्तों में शुमार हैं। आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव से तो कभी पवन सिंह की नहीं जमी, लेकिन अब खेसारी की भी तारीफ वो खुलकर हर एक मंच पर करते हैं। अब रितेश पांडे का हेलो कौन बोल रहा है 71 मिलियन एक वीक में क्रॉस किया है, तो भाई एक आएगा दूसरा जाएगा, कितना क्रॉस करेगा तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपने गानों के माध्यम से भोजपुरिया सिंगर जो टोंट मारते हैं उसका कोई सानी नहीं है भाई। न गाली दो न गलौच दो, बस अपने गानों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से सामने वाले को बता दो कि आप करना क्या चाहते हैं। ऐसे में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री माहिर ही है। अब पवन सिंह भी इसी रेस में आ चुके हैं भाई। पवन सिंह को कभी अक्षरा सिंह के खिलाफ बोलते सुना ही नहीं गया, लेकिन गाते बराबर सुना गया। जी हाँ, बदनाम कर देगी के बाद अब ये जो नया दूसरा गाना आएगा इससे साफ पता चल जाएगा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह आज भी एक दूसरे के दुश्मन नंबर वन है। ऐसे भी कहा जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार होता है जब वहाँ दुश्मनी भी होती है तो वो भी बेमिसाल होती है। अब इसके बाद अक्षरा सिंह कैसे जवाब देती हैं पवन सिंह को वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे भी अक्षरा सिंह समय समय पर उस जख्म पर नमक छिड़कती ही रहती हैं ताकि पवन सिंह उन्हें भूल ना सके। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।